एक छोटा सा जिला सभा के बाहर का एक कार्यक्रम चल रहा है टीपी के ऊपर, टीपी लगातार बढ़ रहा है निर्वाचन में, प्राइवेट पे लोग जा रहे हैं, दवाइयां लेते हैं, पैसे खत्म होता है तो दवाइयां छोड़ देते हैं, ऐसे ज्यादा केसेस हैं डॉक्टर मोयल पे, डॉक्टर साहिद नू में और डॉक्टर पटवारी खान और खड़क सिंह। जब निर्वात के लोगों के पास पैसा जेब में होता है तो जब तक तो वो दवाइयां ले रहे हैं टीबी की, पैसा खत्म हो जाता है दवाइयां छोड़ देते हैं, वो इलाज अधूरा रह जाता है। एक इस पर भी बिल्कुल ध्यान देना है, अगर किसी को दो सप्ताह से ज्यादा खांसी है, बलगम आ रहा है, बुखार रह रहा है, शाम को पसीना आता है, कहीं भी गांठ है शरीर में, खासकर बगल के नीचे और गर्दन के आसपास, वो भी टीबी की गांठ है, तो उसकी जांच करवाइए। मांडीखेड़ा में होती है और बलगम की जांच भी मांडीखेड़ा में होती है। ये मोटे मोटे से लक्षण है, एक बार दोबारा बता दूं, अगर दो सप्ताह से ज्यादा खांसी है, बलगम आ रहा है, बलगम में कई बार खून भी आ जाता है, कहीं गांठ है शरीर में, बुखार उसको रह रहा है, उसका वजन घट रहा है, सीने में दर्द रहता है, ये सारे उसके लक्षण है, इसका इलाज जिला स्वास्थ्य विभाग मांडीखेड़ा से, नौ से और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनसे मुफ्त में मिलता है इलाज, कोई पैसा नहीं लगता। बल्कि सरकार अब तो जो टीबी का मरीज है, एक निक्षेप पोषण योजना है भारत सरकार की, उसके तहत जब तक 6 महीने तक इलाज मरीज का चलेगा 500 रुपया महीना उसके खाते में आएगा। कितनी बड़ी बात है, सरकार इलाज भी देगी मुफ्त में और 500 रुपया महीना भी मुफ्त में उसके खाते में डालेगी, उसकी खाद खुराक के लिए, उसकी सेहत ठीक रहे, खान पान ठीक रहे, ये कोशिश है सरकार की। वो अपनी मन मर्जी की वे अंडा खा ले, कुछ और सब्जी ताजा खरीद के खा ले, ये बात है मोटी मोटी। या तो भी गौर फिक्र करो और यहाँ से इलाज ले मांडीखेड़ा से, जो और सरकारी अस्पताल है, और जांच करवा और स्वस्थ रहो। धन्यवाद।